1947 को जो है हिमाचल में अस्थाई सरकार का गठन किया गया था। अगला सवाल है, हिमाचल प्रदेश में प्रथम लोकप्रिय सरकार, लोकप्रिय मतलब जो फेमस सरकार थी, ठीक है जी। और जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की नई सीरीज जो कि हमारे सीरीज चल रही है इस वक्त। महत्वपूर्ण प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है हिमाचल प्रदेश के जो आगामी एग्जाम्स हैं जो निकल रहे हैं, उन एग्जाम्स की सीरीज चलाई है। और इस सीरीज में हमारी जो वीडियो है ये 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन तक के लिए है। आपने अगर ये वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले इस वीडियो को जरूर देखें जो इससे पहले की वीडियो है। और ये सीरीज जो है वो रेगुलरली आएगी और यहीं से आने वाले समय में जो है आपको प्रश्न देखने को भी मिलेंगे प्यारे बच्चों। और दूसरा, ये हिमाचल पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए भी जो है वो वीडियो स्पॉन्सर्ड है। इसमें हम जो है HPPSC के जितने भी एग्जाम्स हैं, HPTET के, पटवारी के, एलाइड सर्विसेज के, उन सब को ये कवर अप कर रही है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें और इसमें जो करवाए जाते हैं क्वेश्चंस उनको आप लगाएं भी। स्टार्ट करते हैं समय ना वेस्ट करते हुए। क्षेत्रीय परिषद को हिमाचल विधानसभा में जो है परिवर्तित करने के लिए जो है लोकसभा ने 1963 में कौन सा एक्ट पारित किया था? क्षेत्रीय परिषद को जो है परिवर्तित यानी कि चेंज किया गया है वो किस एक्ट के अंतर्गत किया गया है? तो वो किया गया है सन 1963 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? 1963 के अंतर्गत। किसने किया था? गवर्नमेंट ऑफ यूनियन एक्ट के द्वारा जो है ये परिवर्तित किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? गवर्नमेंट ऑफ यूनियन एक्ट के द्वारा जो है इसे परिवर्तित किया गया है प्यारे बच्चों। अगला सवाल, किस घाटी को बसपा घाटी के नाम से जाना जाता है? कौन सी घाटी है जिसे बसपा घाटी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है सांगला घाटी। क्या आंसर रहेगा? सांगला घाटी, जो कि किन्नौर में है। सांगला घाटी को जो है हम बसपा घाटी के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल है, सुप्रसिद्ध कामरू गांव किस घाटी में स्थित है? तो ये भी सांगला घाटी किन्नौर में ही स्थित है, कामरू गांव। अगला सवाल है, चंबा घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? चंबा गांव या चंबा जो है वो जिस नदी के किनारे है वो रावी नदी के तट पर स्थित है, तो रावी के तट पर स्थित होने की वजह से हम इसको रावी घाटी भी कहते हैं। तो चंबा घाटी जो है वो रावी घाटी के नाम से भी पुकारा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है पोंटा घाटी। पोंटा घाटी किस नाम से जाना जाता है? तो पोंटा घाटी को क्याद्रा और दून के नाम से भी जाना जाता है। क्याद्रा और दून घाटी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? क्याद्रा और दून घाटी के नाम से। अगला सवाल है, रौरिक कला संग्रहालय हिमाचल में की किस घाटी में स्थित है? तो ये कौन सी में है? ये कुल्लू में है और कुल्लू के नगर में है। कहां पे है? कुल्लू के नगर में स्थित है। नगर वहां का स्थान है, प्रचलित स्थान है। तो वहां पर ये इनका संग्रहालय बनाया गया है, म्यूजियम बना है। अगला सवाल है, हिमाचल प्रदेश में चुकंदर का बीज कहां पर पैदा किया जाता है? चुकंदर के बीज सबसे ज्यादा जो है या कहां पर हिमाचल में तैयार किए जा रहे हैं? ये बीजों से जुड़े हुए क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इसको भी तैयार करिएगा। आंसर इसका किन्नौर रहेगा। चुकंदर के जो बीज हैं वो कहां पर तैयार किए जा रहे हैं? किन्नौर में तैयार किए जाते हैं और वहीं से इसकी सेलिंग की जाती है। अगला सवाल है, इसी प्रकार से काला जीरा बहुत ज्यादा फेमस है कि काला जीरा जो है वो हिमाचल में कहां पर पाया जाता है? तो वो उसका सही आंसर है किन्नौर और लाहौल स्पीति। किन्नौर और लाहौल स्पीति में जो है वो काला जीरा पाया जाता है। काला जीरा जो है वो वहां के क्षेत्रों में भी, और एक देसी जो काला जीरा होता है वो वहां पर पाया जाता है उनकी पहाड़ियों में, ना कि बीजा जाता है। तो काला जीरा जो है वो लाहौल स्पीति में वैसे भी मिलता है। अगला सवाल है, हिमाचल प्रदेश में पैदा की जाने वाली कुट, कुट एक जड़ी बूटी है,
पत्ते की तरह होती है, पालक के पत्ते की तरह बड़ा पत्ता होता है, ठीक है, उसका गुच्छा होता है, तो वो बूटी के रूप में हम यूज करते हैं। तो भारत के से बाहर कौन से देश जो हैं वो इसे उगा रहे हैं और उसका यूज कर रहे हैं? तो अमेरिका है, कनाडा है और साथ में फ्रांस है। तो अमेरिका, कनाडा और फ्रांस जो हैं, ये देश की जो हैं वो कुट की जो खेती है वो कर रहे हैं। अगला सवाल है, हिमाचल प्रदेश में फल प्रसंस्करण यानी कि प्रिजर्व रखने के लिए जो कारखाना है वो कहां पर बनाया हुआ है? तो इसका सही आंसर है परमाणु, जो कि सोलन में स्थित है। परमाणु सोलन में स्थित है, तो यहां पर जो है वो फलों का प्रसंस्करण केंद्र खुला है। अगला सवाल है, हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले पंचायतों की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो ये था सन 1952 के अंतर्गत की गई है पंचायतों की स्थापना। तो पंचायत अधिनियम 1952 आपने ये लर्न रखना है प्यारे बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और फेमस क्वेश्चंस हैं। इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश में औदुम्बर जनजाति, कौन सी औदुम्बर जनजाति है? प्राचीन समय में ये दो नदियों के बीच में रहती थी और वो कौन कौन सी थी? तो एक नदी थी ब्यास और दूसरी सतलुज, दोनों के बीच में जो है वो औदुम्बर जनजाति जो है वो अपना निवास करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, हिमाचल प्रदेश में अस्थाई सरकार, अस्थाई होती है टेम्परेरी सरकार जो है वो कब बनाई गई थी? तो जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, तो 1948 में गौ श्रेणी का राज्य हमें जो है वो बनाया गया। तो 1948 यानी कि 26 जनवरी 1948 को जो है हिमाचल में अस्थाई सरकार का गठन किया गया था। अगला सवाल है, हिमाचल प्रदेश में प्रथम लोकप्रिय सरकार, लोकप्रिय मतलब जो फेमस सरकार थी, ठीक है जी, और विधानसभा की स्थापना कब हुई थी? तो विधानसभा की स्थापना जो है वो हुई थी 1952 में। पहले यहां पे सचिव को बिठाया गया था, फिर गवर्नर को बिठाया गया, फिर मुख्यमंत्री के लिए जो है आगे चला था प्रोसेस। तो पहले जो है प्यारे बच्चों 1952 यानी कि 24 मार्च, आपने याद रखिएगा जो भी HPPSC एग्जाम्स लेता है उसमें डेट वाइज क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा डेट वाइज क्वेश्चन आने हैं प्यारे बच्चों, तो इसलिए हमें तारीखों के साथ जो है इन क्वेश्चनों को बनाना है, याद रखना है, इसी प्रकार से ये लाभ होगा आपको क्वेश्चंस का। तो 24 मार्च 1952 इसका सही आंसर। केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया? हिमाचल को केंद्र शासित यानी कि जो है बनाया गया था यूनिट टेरिटरी, तो वो 1956 में बनाया गया था, नहीं तो हम गौ श्रेणी में ही पाए जाते थे। तो 1 नवंबर 1956 तारीख को याद रख लीजिएगा, नोट करिएगा, नोट्स बनाइएगा अच्छे से। अगला सवाल है, ठाकुर करम सिंह को क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है, ठाकुर करम सिंह को, तो यह कब बनाया गया था? तो ये 1957 में जो है ठाकुर करम सिंह को क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष बनाया गया था। अगला सवाल है हमारा, क्षेत्रीय परिषद का हिमाचल प्रदेश विधानसभा में परिवर्तन और लोकप्रिय सरकार का पुनः स्थापना कब की गई थी? तो यानी कि लोकप्रिय सरकार जब बनाई गई थी सन 1963, 1 जुलाई 1963 को जो है वो लोकप्रिय सरकार जो है वो बनाई गई थी। अगला सवाल, पंजाब के पूर्ण गठन पर पंजाब से कांगड़ा इत्यादि क्षेत्र हिमाचल में कब मिलाए गए? यानी कि हिमाचल में जो है विलय किया गया था कुछ क्षेत्रों का, तो ये कब मिलाए गए थे? सन 1966 में, सन 1966 में इनका विलय किया गया पंजाब के क्षेत्रों का। जैसे कि कांगड़ा है, तो कांगड़ा की राजधानी जो थी यानी कि जो उसका डिस्ट्रिक्ट था, तो वो हमारा कौन सा था? वो हमारा डिस्ट्रिक्ट था गुरदासपुर। तो कांगड़ा का जो कुछ क्षेत्र था वो गुरदासपुर में आता था, हमीरपुर का जो है वो जलंधर में आता था। इसी प्रकार से जो है इसका पूर्ण गठन किया गया सन 1966, 1 नवंबर 1966। प्यारे बच्चों नोट कर लेना, वीडियो को शेयर कर लेना, क्योंकि तैयारी हमें करनी है, क्वेश्चंस की स्टार्टिंग हो चुकी है, आप इनको वन बाय वन नोट करते चलें और इनको लर्न करते चलें। अगर आपको इसका PDF चाहिए है तो PDF के लिए फॉलो करें और साथ साथ में जो है हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर्स पे, तो आपको इसके PDF जो है वो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। 1948 ईस्वी में जब भांगल रियासत को हिमाचल में जो है मिलाया गया था, तो उस समय जो है वहां का शासक कौन था?
यानी भांगल रियासत को जब मिलाया गया था तो वहां का शासक जो था वो राजेंद्र सिंह थे। कौन थे? राजेंद्र सिंह थे। ठीक है जी, अगला सवाल है, क्षेत्रीय मधुमक्खी अनुसंधान केंद्र, जो अनुसंधान केंद्र है क्षेत्रीय, वो कहां पर स्थित है हिमाचल का? तो वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के नगरोटा में है। तो ये आपको याद रखना है कि ये मधुमक्खी जो अनुसंधान केंद्र है वो कहां पर है, तो वो कांगड़ा जिला में है। अगला सवाल, बुंदेलखंड में स्थित चंदेरी के वीरचंद ने जो है सतलुज घाटी में स्थानीय ठाकुरों को हराया था 900 ईस्वी में, तो किस रियासत की स्थापना की थी? तो जब उन्होंने हराया था तो वीरचंद ने, तो उन्होंने बिलासपुर की स्थापना की थी। कौन सी की थी? बिलासपुर की, जिसको हम कहलूर भी बोलते हैं और वहां की भाषा भी जो है वो कहलूरी है। तो कहलूर यानी कि बिलासपुर, कहलूर राज्य की स्थापना की थी। किसकी की थी? कहलूर राज्य की स्थापना की थी। अगला सवाल, 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर हिमाचल का कौन सा जिला बना था? तो ये पांचवा जिला बना है। कई बार क्वेश्चन में आता है कि बिलासपुर की जो है वो हिमाचल में जो है कब राज्य का दर्जा मिला, तो सन 1954 में मिला है, तो ये भी याद रखिएगा। और ये पांचवा जिला जो है हिमाचल प्रदेश का ये बनाया गया था। अगला सवाल, नलवाड़ मेला, नलवाड़ मेला बहुत ही बड़ा मेला होता है, बिलासपुर का मेला है बच्चों, और 1889 में जो है किसके द्वारा चलाया गया था? तो डब्ल्यू गोल्डस्टीन, साइंटिस्ट थे, डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा ये चलाया गया है। और सबसे बड़ा ये पशु मेला है, नोट कर लीजिएगा, हिमाचल का सबसे बड़ा पशु मेला। अगला सवाल है, गुग्गा मेला और मारकंडा मेला कहाँ का है? तो गुग्गा और मारकंडा मेला भी बिलासपुर का ही है। कहाँ का है? बिलासपुर का ही है बच्चों। अगला सवाल, प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो गोविंद सागर झील है, जिसमें अभी कुछ ही समय में क्रूज को भी उतारा गया है पर्यटक की दृष्टि में, और साथ में अब हाउस बोट्स भी उसमें उतारी जा रही हैं पर्यटकों के लिए। तो गोविंद सागर झील है, ये कहां पर है? तो ये भी बिलासपुर में ही स्थित है। तो हिमाचल की जो सबसे बड़ी झील जो है वो भी गोविंद सागर झील है, मानव निर्मित झील है ये। अगला सवाल है, एशिया का सबसे बड़ा मत्स्य पालन जो बिलासपुर में है संस्थान, तो ये कहां पर है? तो दियोली में स्थित है। कहां पर है? दियोली में स्थित है। अगला सवाल, बिलासपुर का नलवाड़ मेला सांडू मैदान में लगता था, मतलब पहले क्या होता था वो सांडू मैदान में लगता था। अब बताओ कि ये जो मेला है, क्योंकि मैदान वो गया डूब गोविंद सागर झील की वजह से, ठीक है, तो अब ये जब डूब गया तो अब ये जो मेला है ये कहां पर लगता है? तो आंसर है लुहणू मैदान में। कहां पे लगता है? लुहणू मैदान में जो है इसका आयोजन किया जाता है। अगला सवाल, हिमाचल प्रदेश अपनी भौगोलिक अवस्थिति के कारण कहां पर स्थित है, यानी कि हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो हिमालय के ये पश्चिमी भाग में स्थित है प्यारे बच्चों। कौन से भाग में? पश्चिमी भाग में ये स्थित है, ये इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल, हिमाचल जो शब्द है वो हिम प्लस आंचल से बना है। हिम मतलब बर्फ हो गया, आंचल मतलब यानी कि पर्वत का हो गया, तो पर्वत का अर्थ क्या है? तो वो है बर्फ से ढके पर्वत। किसे? बर्फ से ढके पर्वत। अगला सवाल, हिमालय पर्वत का फैलाव कहां से कहां तक है, मतलब हिमालय कहां से कहां तक फैला है? तो आपको मालूम है कश्मीर से ये शुरू होता है और ये बर्मा तक फैला हुआ है, और जम्मू से शुरू होकर उत्तराखंड की कुमाऊं की पहाड़ियां, गढ़वाल और सिक्किम, नेपाल, भूटान, असम, नागालैंड तक फैला हुआ है, ये है हमारा हिमालय। और हिमाचल हिमालय की ही गोद में बसा हुआ है। और हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है? तो उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश की याद रखिएगा, 32 डिग्री और 22 मिनट से लेकर 33 डिग्री और 12 मिनट तक है, और पूर्वी में जो है 75.47 मिनट से लेकर जो है पूर्वी देशांतर यानी कि 79.4 पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है।
हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो 55,673 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है हिमाचल प्रदेश। इसी प्रकार से भारत का भी क्षेत्रफल आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का जो है वो क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में जो है हिमाचल प्रदेश सॉरी भारत का क्षेत्रफल फैला हुआ है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे, हिमाचल का भी और भारत का भी क्षेत्रफल कितना है। अगला सवाल, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रफल के आधार पर निम्न में से कौन से राज्य जो है वो इससे राज्यों से बड़ा है, यानी कि क्षेत्रफल में जो है हिमाचल बड़ा है और दूसरे छोटे हैं, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, केरला, ये सभी के सभी जो हैं राज्य जो हैं वो क्षेत्रफल की दृष्टि में हिमाचल से छोटे हैं। अगला सवाल, शिवालिक पर्वत का प्राचीनतम, यानी कि शिवालिक पर्वत को जो है पुराने यानी कि पुराना नाम क्या है, तो मैनाक पर्वत है। क्या नाम है? मैनाक पर्वत के नाम से इसे जाना जाता है। अगला सवाल, शिवालिक या लघु हिमालय, मतलब शिवालिक बोल लो बच्चों या लघु हिमालय, तो आपको पता होना चाहिए कि शिवालिक की जो है वो 350 से लेकर जो है 1500 मीटर के बीच में ऊंचाई है, और ये श्रृंखला कहां से कहां तक फैली है, तो ये मैं बता दूं आपको, सिरमौर है आपका, हमीरपुर है, बिलासपुर है, मंडी है, मंडी के निचले क्षेत्र आएंगे चंबा, ऊना, ये सभी इनके निचले क्षेत्र जो है वो सभी के सभी काउंट होंगे शिवालिक के अंदर अंदर, तो ये निचले क्षेत्र यानी कि प्लेन एरियाज को गिनिएगा। अगला आता है मध्य, यानी कि लघु हिमालय बोलते हैं इसको, मध्य हिमालय मतलब लघु हिमालय, जिसकी 1500 से लेकर 4500 मीटर तक की ऊंचाई है, और ये पुनः श्रृंखलाएं कौन कौन सी हैं, तो ये इसमें दो श्रृंखलाएं आएंगी, आपकी धौलाधार श्रृंखला आ जाएगी और चंबा की पीर पंजाल श्रृंखला आ जाएगी। तो दो श्रृंखलाएं हैं, धौलाधार और पीर पंजाल श्रृंखला। अगला सवाल है, बर्फ से ढके रहने के कारण हिमालय पर्वत के किस को किस नाम से जाना जाता है, तो हिमालय को जो है अगर बर्फ से ढका है तो बर्फ यानी कि श्वेत यानी कि बर्फ है, तो श्वेत श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका सही आंसर श्वेत श्रृंखला होगा। अगला सवाल, लघु हिमालय की सबसे बड़ी श्रृंखला कौन सी है, यानी कि लघु हिमालय में जो है सबसे बड़ी श्रृंखला जो है वो पीर पंजाल श्रृंखला, जो कि हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट में आती है। अगला सवाल, रोहतांग दर्रा, अटल टनल सभी ने सुनी होगी अटल टनल के बारे में, तो अटल टनल भी रोहतांग दर्रे पर ही बनाई गई है, तो ये हमारी पीर पंजाल श्रृंखला में ही आती है अटल टनल, याद रखिएगा। चुड़धार या चुड़ चांदनी जो कि शिमला में है, तो शिमला के किस भाग में ये स्थित है चुड़धार, तो ये है शिमला के दक्षिणी भाग में स्थित है, इसका सही आंसर है शिमला के दक्षिणी भाग में चुड़धार और या चुड़ चांदनी के नाम से जो है ये फेमस है। अगला है, बृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला समुद्र तल से लगभग कितनी हाइट पर है, तो ये 4500 से लेकर 6000 मीटर तक की हाइट जो है वो कवर अप करती है। अगला सवाल है, जास्कर पर्वत श्रृंखला हिमालय की श्रेणी में अवस्थित है, तो ये हिमालय के जास्कर जो श्रृंखला है वो किस में आती है, तो वो आती है हमारे बृहद हिमालय में काउंट होती है, तो किस में आती है जास्कर पर्वत श्रृंखला, बृहद हिमालय के क्षेत्र में। अगला सवाल, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो है वो शिला है, जो कि 7025 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, 7025 के मीटर पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे हिमाचल की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है, वो है फार रिबा फार ग्योल, जो कि 6,790 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन से लर्न होने चाहिए, दिमाग में बैठे होने चाहिए, फिर क्यों नहीं होती है तैयारी प्यारे बच्चों। लाहौल में चंद्रा नदी की पुष्टि करने के लिए बड़ा शिगड़ी हिमनंद है, वो कितना लंबा है, तो हिमनंद जो है बड़ा शिगड़ी वैसे भी सबसे बड़ा है, ठीक है जी, हिमनंद मतलब यानी कि ग्लेशियर की बात की जा रही है, ग्लेशियर सबसे बड़ा जो है वो कितना बड़ा है, तो वो 25 किलोमीटर की जो है वो बड़ा है, 25 किलोमीटर उसकी लेंथ है। तो
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। इसी प्रकार से जो है कुल्लू में सुप्रसिद्ध है आपका द्योन और पार्वती हिमनंद, ये कितना लंबा है? तो ये है 15 किलोमीटर। कितना है? 15 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है। इसी प्रकार से लाहौल में मुकीला और म्यार हिमनंद है, लाहौल के हैं ये, नाम आता है तो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं ये ग्लेशियर। तो ये इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी 12 किलोमीटर की लंबाई है। कितनी है प्यारे बच्चों? 12 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन रहेगा। 99 नंबर क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने कि हिमाचल प्रदेश का जो है औसतन समुद्र तल से जो है इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी है 350 से लेकर 7000 मीटर तक। सबसे हाइट पर है ये लगभग हमारे यहां पर, वैसे 6000 भी मैंने बताया था आपको, हम जो है वो 7000 तक लेकर चल रहे हैं। 350 से 7000 मीटर की हाइट रहेगी। आखिरी सवाल आज की इस क्लास का, बगड़, ठीक है, बगड़ घास जो है वो अखबारी घास है, ये कागज बनाने के काम भी आती है, ठीक है जी, और पशुओं के लिए भी चारे में भी हम यूज करते हैं। तो प्रदेश में कहां पाई जाती है? तो मैक्सिमम जो है ये प्लेन और गर्म स्थानों में है, जो कि बिलासपुर और ऊना में पाई जाती है। तो ये है हमारे आज के टॉप 50 क्वेश्चन, जो कि हमारे आज की सीरीज के 100 क्वेश्चन पूरे हुए। इसी प्रकार से हमारा जो नेक्स्ट आ जाता है वो है आपके लिए स्पेशल, वो है फुल कोर्स हिमाचल पुलिस की भर्ती की तैयारी के लिए। 55% ऑफर चल रहा है, आप इसको देख सकते हैं, इसका ट्रायल देख सकते हैं। और ई बुक्स, स्पेशल नोट्स, वीडियो क्लासेस, टॉपिक वाइज सीरीज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज, vijaypatheducation.com पर जाकर भी आप विजिट कर सकते हैं, हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में 1088 पोस्टों के लिए जो है वो आवेदन मांग लिए गए हैं, जो कि 31 अक्टूबर तक ये फॉर्म फिलअप भी हो रहे हैं। तो आप फटाफट अपनी भी तैयारी कर सकते हो प्यारे बच्चों। और साथ साथ में जो है हमारे साथ इसी प्रकार से इस वीडियो के साथ जो है वो जुड़े रहिएगा। और आज की जो है आपको क्लास कैसी लगी जरूर मुझे मैसेज करिएगा और कमेंट करिएगा। अपना खास ख्याल रखिएगा, दोबारा मिलेंगे फिर से नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।